तो पोकेमोन फैंस हम लोग इस वीडियो में बात करने लगे कि एस का चैनल रिटर्न करने वाले जिसके चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं, वो कैसे मैं तुम्हें बताऊंगा आगे। तो वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग 7 के सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। तो अगर तुमने पोकेमोन होराइजन का अभी रिसेंट एपिसोड देखा है जिसमें कि लीको एंड उनकी गैंग पहुंच गई है गलान रीजन, जहां पे काबू को देने वाला ट्रेनिंग, जो कि काबू का एक जिम लीडर है पोकेमोन गलान रीजन का, तुम्हें पता ही है कि गलार रीजन में हुआ क्या था। एस एंड लियो की एकदम घमासान बैटल हमें देखने को मिली थी गलार रीजन में, एंड एस के जब बन चुका था वर्ल्ड चैंपियन, तो बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस कि हमें एस एंड लियो का एक छोटा सा रेफरेंस देखने को मिले। तो तुम्हें पता ही होगा कि एस का की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी लियोन को हराने के बाद। मैं पोकेमोन वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वर्ल्ड चैंपियन कौन है फ्रीड को पता ही ना हो। ऐसा हो सकता है कि लीको और रॉय को पता ना हो कि वर्ल्ड चैंपियन कौन है, लेकिन फ्रीड एंड बाकी जितने भी एडल्ट उन सबको पता हो कि वर्ल्ड चैंपियन कौन है। एंड फ्रीड बता लीको और रॉय को कि यहां का वर्ल्ड चैंपियन को किसने हराया था। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि हमें एस का बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है पोकेमोन होराइजन में। तो एपिसोड 20 पोकेमोन होराइजन का इस को रिलीज होने वाले, जिसमें कि हमें देखने को मिलने वाला है काबू, जो कि गलार रीजन का जिम लीडर है एंड ड्रिंक करने वाला है लीको एंड रॉय को, एंड हमें नयासा भी देखने को मिल सकती है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाए रखी है, उसे तुम जाके भी देख सकते हो। तो तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो पोकेमोन होराइजन के अपकमिंग एपिसोड्स के लिए, एंड तुम्हें क्या लगता है कि एस का रिटर्न करेगा कि नहीं, कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।